नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ते हुए अभी तक हम लोग कुल भाग 14 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज मेरा 14वां से आगे का वीडियो बनेगा, अर्थात आज मैं भाग 15 को पढ़ाने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पहले के मेरे बनाए गए वीडियो की तरह ही आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके कंपटीशन के लेवल में एक फ़ायदा पहुंचाएगा, आपको आने वाले कंपटीशन में बेहतर लेवल मिल सके, आपकी जानकारी बेहतर हो सके, आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छात्रों कि आप सबके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को डालकर आपकी जानकारी को संपूर्ण कराऊँ ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना होने पाए। तो आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जब भाग 15 को पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं छात्रों आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो छात्र मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे उन छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले वो मेरे यूट्यूब चैनल जीके आर्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो जो भी इस पर जा रहे हैं उस वीडियो को लगातार पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास स्वतः ही नोटिफिकेशन नए नए वीडियो का जाता रहे। और जब आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप बच्चों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। तो आज आइए हम भाग 15 को पढ़ेंगे और भाग 15 को पढ़ने के लिए मैंने इसके पहले जो बातें बताई थी उसको थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। जब हम भाग 14 को पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी के वर्धा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है आंदोलन का, उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन बाद में नेहरू जी द्वारा जब इसी आंदोलन को चलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखा जाता है तो 8 अगस्त 1942 को कुछ सुधारों के आधार पर नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और नेहरू के प्रस्ताव की शुरुआत करने के साथ ही भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो जाती है जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के स्वीकार करने के साथ ही शुरू हो जाता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जिस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के सामने रखने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू जी किए थे और उसमें यह तय किया गया कि यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन की अगर शुरुआत की बातों को देखी जाए कि इस आंदोलन का शुरुआत कहां से होता है तो इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान और इसी ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। क्योंकि यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, अगस्त में शुरू हुआ, इसीलिए कंपटीशन में इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अगस्त प्रस्ताव भी आया था और अगस्त प्रस्ताव की अगर बातों की जानकारी हम रखें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, जिस अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिथगो के द्वारा भारत के लिए जो भी बातें रखी गई थी उसको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था जबकि ये अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है। और इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने इसी 9 अगस्त को एक नारा दिया था इस आंदोलन के दौरान, करो या मरो। तो ये करो या मरो का नारा देते हैं जिसको हम डू और डाई का नारा भी कहते हैं। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने जब इस आंदोलन के दौरान दिया तो उसमें पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि गांधी जी अहिंसात्मक मार्ग को छोड़कर थोड़ा सा हिंसात्मक मार्ग पर यहाँ पर उतर आते हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने कभी भी अहिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ा था। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा होता है जब महात्मा गांधी डू और डाई का नारा देते हैं, अर्थात देश के आज़ादी के लिए कुछ करना है तो आज कर जाएंगे, नहीं तो इससे अच्छा है कि हम
मर जाएंगे। तो यहां पर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि करो या मरो, ये हम करेंगे और फिर देश के लिए हम क्यों मरेंगे, अगर मरना होगा तो अंग्रेजों को मारेंगे, करो या फिर मारो, ये नारा दिए थे वहां पर राजेंद्र प्रसाद। तो करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन उस समय की स्थिति अगर देखी जाए 1942 में, तो उस समय अंग्रेज अर्थात इंग्लैंड पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में लगा हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति उस समय अगर देखी जाए तो इंग्लैंड की बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे हालात में जब भारत से उसको सपोर्ट की उम्मीदें थी, उस समय भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चालू हो गया, और इस कदर आंदोलन चालू हुआ जो कि पूर्णतः जो है हिंसात्मक मार्ग पर चलने लगा। परिणाम यह हुआ कि इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई किया गया, और इस कार्रवाई के तहत इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की गई। ऑपरेशन जीरो आवर का यहां पर मतलब ये होता है कि भारतीय इस क्रांतिकारियों को बिना किसी समय को दिए हुए इन सारे नेताओं को एक एक करके तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो जाए। इस प्रकार से 9 अगस्त को जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है, 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत करने के साथ ही बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो जाते हैं जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां के महल में रखा जाता है। आगा खां का महल, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, पूना के आगा खां के महल में। अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी के साथ साथ बाकी अन्य जो नेता थे, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता थे, इन सारे नेताओं को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा गया, अहमदनगर के किले में डाला गया। जयप्रकाश नारायण की अगर बात की जाए, तो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल आज हजारीबाग झारखंड में आता है। उसी तरह से राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके इनको पटना के बांकीपुर जेल में रखा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके और उनको जेल में डाल दिया गया। परिणाम ये हुआ कि जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत थी उसी दिन कांग्रेस पार्टी के सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार होते हैं और सबको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह पहला ऐसा आंदोलन होता है जो आंदोलन शुरू होते ही नेतृत्वविहीन हो जाता है, क्योंकि इस आंदोलन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सारे गिरफ्तार होकर जेल के अंदर चले गए थे। अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करे, और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी नीतियां अपनाई उसको लेकर महात्मा गांधी जी ने इसी आगा खां के महल के अंदर उपवास शुरू कर दिया था, और भूख हड़ताल जब उन्होंने शुरू की तो स्थिति ये बन गई कि इस भूख हड़ताल के चलते गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। इसी आगा खां के महल में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था, जहां पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो पूना के आगा खां के महल में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं तो उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होते जाता है, और जैसे ही इस बात की सूचना भारत के क्रांतिकारियों को लगती है, भारतीय क्रांतिकारी आगा खां के महल के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, और प्रदर्शन सिर्फ इसी बात के लिए करते हैं कि महात्मा गांधी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। लेकिन तत्कालीन जो गवर्नर था वह किसी भी हालत में गांधी जी को छोड़ना नहीं चाहता था। स्थिति ये थी कि गांधी जी की अब जैसे लग रही थी कि मृत्यु हो जाएगी, वह इसी आगा खां के महल के अंदर ही मर जाएंगे, और कहा तो ये भी जाता है कि उस समय के तत्कालीन गवर्नरें गांधी जी को रिहा करने के बदले गांधी जी के अंतिम संस्कार के लिए भी सारा सामान जुटा लिया था कि अगर गांधी मरते हैं तो इनको इसी महल के अंदर दफना दिया जाएगा। लेकिन उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इधर गांधी जी का भूख हड़ताल देश के अंदर चल रहा था। परिणाम ये हुआ
कि इंग्लैंड के साथ जो भी मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका या फिर रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन देशों ने कहा कि अभी हमारी स्थिति पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में लगी हुई है, हम सेकेंड वर्ल्ड वार को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी गलत नीतियों के चलते भारत में लगातार आपका विरोध हो रहा है, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति को खड़ा कर देगा, हम हो सकता है कि इस युद्ध में हार भी जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि गांधी को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा कर दिया जाए। इस तरह से बड़े राष्ट्रों के दबाव में आकर 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब थोड़ा देखें, यहाँ पर गांधी जी जब जेल में गए थे तो जेल में जाने के बाद से इस आंदोलन ने और हिंसा का मार्ग अपना लिया था। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी जब जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन के दौरान भारत में जो भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई है उस हिंसात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय लोग दोषी नहीं है, इसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न कर दी थी जिसके चलते भारतीयों को ऐसा करना पड़ा। अब जब इस आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए थे तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में बंद थे, वो हजारीबाग जेल सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं और यहाँ से भागकर वह नेपाल के जंगलों में चले जाते हैं और नेपाल के जंगलों में जाकर आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता का संगठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि आज़ाद दस्ता के ही संगठन के सदस्यों को जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी और उस ट्रेनिंग से लैस जो भी आज़ाद दस्ता के सदस्य थे उन्हें बानर सेना या मंजरी सेना का नाम रखा गया था। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछें कि बानर सेना या मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति से। तो बानर सेना या मंजरी सेना का संबंध जो है इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए छापामार युद्ध का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है। छापामार युद्ध, ये अंग्रेज़ों के ऊपर छिपकर एक प्रकार का युद्ध जो है भारतीय लोगों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ छिपकर उनके खिलाफ युद्ध करना है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया, आप सुने होंगे नाम राम मनोहर लोहिया, ये एक बहुत बड़े भारत के राष्ट्रीय नेता, और अरुणा आसफ अली, ये दोनों भूमिगत होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ रेडियो प्रसार शुरू कर देते हैं। जब उनको लगता है कि बाहर रहने पर अंग्रेज़ उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जैसे जैसे इस आंदोलन से भारत की जनता जुटती गई, क्योंकि महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत के लोग और भी क्रांतिकारी रुख अपना लिए थे, परिणाम ये हुआ कि एक के करके 1,00,000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और इसी का परिणाम था कि अब अधिक लोग हिरासत में न आने पाए, इसलिए उस समय के कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो भूमिगत होकर इन अंग्रेज़ों के खिलाफ रेडियो प्रचार किया करते थे और इस रेडियो प्रचार के माध्यम से अंग्रेज़ों के ऊपर कुछ इस प्रकार के टिप्पणी किया करते थे जिससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा धूमिल होती थी। तो ये रेडियो प्रसार करने का काम शुरू कर दिए। अगर इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बात की जाए तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें चला दी गई। समानांतर सरकार, अब इस समानांतर सरकार का मतलब क्या हो गया कि अंग्रेज़ तो संपूर्ण देश में शासन कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का संपूर्ण देश में अधिकार होने के बावजूद भी उन क्षेत्रों से उनको मारकर भगाया गया और वहाँ की लोकल जो लोग थे वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिए। ऐसे क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो भारत में उस समय समानांतर सरकारें सतारा, मिदनापुर उसके साथ साथ बलिया, ये कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पर समानांतर सरकारें चला दी गई, यानी अंग्रेज़ों के रहते समय ही भारत के स्थानीय लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों के बिल्कुल समानांतर एक सरकार वहाँ पर स्थापित करके खुद वहाँ का कोई प्रधानमंत्री, खुद वहाँ पे कोई राष्ट्रपति बनकर कार्यों को करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन के दौरान काफ़ी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा अंग्रेज़ों को। इसी आंदोलन के दौरान अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस आंदोलन का अगर प्रभाव किसी राज्य में पड़ा था तो वह राज्य था बिहार।
और अगर बिहार की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के छात्र इस भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ते हैं और बिहार के बहुत सारे छात्र पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होते हैं और गांधी मैदान में इकट्ठा होकर वह प्रण करते हैं कि आज पटना सचिवालय के ऊपर लगा हुआ अंग्रेजी झंडा को उतारकर नीचे फेंक देंगे और भारत के तिरंगे झंडे को वहां पर फहरा देंगे। इस प्रकार से गांधी मैदान से छात्रों की भीड़ पटना सचिवालय के ऊपर चलती है और सचिवालय के ऊपर जब छात्र बढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय पटना के जो तत्कालीन पुलिस कप्तान थे वह इस भीड़ को देखकर अनियंत्रित हो जाते हैं और जैसे ही सचिवालय के ऊपर छात्र पहुंचकर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं तुरंत वह उन्हें गोली मारने का आदेश दे देते हैं। इस आदेश में उस समय बिहार के वहीं पर 7 छात्र झंडा फहराते समय ही शहीद हो गए थे। उसी 7 छात्रों के शहीद स्थान को आज भारत में कहा जाता है या बिहार में उसको कहा जाता है शहीद चौक, और इस शहीद चौक का उद्घाटन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के कमर को तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन से अंग्रेज संभल ही नहीं पाए और उनको लगा ही नहीं कि महात्मा गांधी अंतिम अवस्था में आकर इस प्रकार के हिंसात्मक मार्ग को अपना सकते हैं। खैर जो भी हो, इस भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा हवाई हमला करके दबाया गया था। इस आंदोलन का कितना अधिक प्रभाव था कि हवाई हमला करके इस आंदोलन को दबाना पड़ा था। अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देखा जाए तो 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम लड़ाई कहा जाता है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर दूसरा लड़ाई कहा जाए तो दूसरा लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के इस प्रकार से व्यापक होने के बाद अंग्रेजों को अब लग जाता है कि भारत में उनकी सत्ता अब अधिक दिनों तक रहने वाली नहीं है, इसलिए जितना जल्द हो सके वह भारतीयों को सत्ता सौंप करके इस देश से वापस चले जाएं। और इसी को लेकर अंग्रेजों के द्वारा आगे चलकर भारत के लोगों के पक्ष में कुछ नए नए कानून बनाकर लाए जाते हैं और इस कानून के तहत अगर बातें की जाएं तो सबसे पहले आता है बाइबल मिशन। अब ये बाइबल मिशन क्या है? ये बाइबल मिशन 1945 में लाया गया था। लॉर्ड बाइबल जो भारत के अंतिम दूसरे गवर्नर थे, इसके बाद मात्र एक गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे उनसे जस्ट पहले लॉर्ड बाइबल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। जब ये बाइबल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो इन्होंने भारत आते ही बाइबल मिशन को लाया और बाइबल मिशन में इन्होंने दो प्रकार की बातें कर दी। एक बात इन्होंने कर दी कि सिर्फ गवर्नर, ये पद जो है गवर्नर का जो पद है यह रहेगा अंग्रेजों के पास। इन्होंने साफ किया कि सिर्फ गवर्नर के पद को अंग्रेजों के पास रखा जाएगा, बाकी सभी पद भारतीयों को सौंपा जाएगा, बाकी सभी पद भारतीयों को सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि भारत में धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के पक्ष में शुरू हो गया था। और जैसे कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सबसे पहले मात्र एक भारतीय को चुना गया था। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया था जिसमें यह तय किया गया कि वित्त, विदेश और सुरक्षा को छोड़कर बाकी सभी भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। और अब जब बाइबल मिशन आया तो कहा गया कि सिर्फ गवर्नर का पद अंग्रेजों के पास रहेगा, बाकी सभी पदों को भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसी बाइबल मिशन में दूसरी बात क्या कही गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति होती है, इस समिति में हिंदू एवं मुसलमान बराबर होंगे, मुसलमान बराबर होंगे। ये यहां पर एक नया दाव अंग्रेजों के द्वारा चला गया। तो यहां पर इसके पहले क्या व्यवस्थाएं थी उसको मैं बता दूं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में पहले यह तय किया गया था कि जिनकी संख्या अधिक होगी उनके लोग भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में अधिक होंगे। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि देश में किनकी संख्या अधिक है उससे कोई मतलब नहीं है। अब मतलब यही है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में जितना हिंदू रहेंगे उतना ही मुसलमान रहेंगे। और इसी बात को लेकर
1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन बुलाया गया। याद रखेंगे भारतीय इतिहास में शिमला को लेकर दो टाइप से प्रश्न बनता है। शिमला सम्मेलन जो 25 जून 1945 को बुलाया गया था, इसी प्रकार से एक एग्जाम में यह भी पूछता है कि शिमला समझौता, तो हम आपको बता दें कि शिमला समझौता आज़ादी के बाद की बातें हैं जो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक समझौता था, लेकिन ये शिमला सम्मेलन आज़ादी से पहले हुआ था। और आज़ादी से पहले जो शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही रखा गया था कि गवर्नर जनरल की टीम में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, ये तो तय कर दिया गया था बैबल मिशन में। लेकिन टीम के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों का चुनाव करने के लिए ही शिमला सम्मेलन को बुलाया गया था। तो उद्देश्य था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों का चुनाव करना, सदस्यों का चुनाव करना। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों का चुनाव करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया, और इस शिमला सम्मेलन में कुल 24 दलों ने भाग लिया था। शिमला सम्मेलन में कुल 24 दल भाग लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए महत्वपूर्ण पार्टी जिसने भाग लिया, उसमें दो महत्वपूर्ण पार्टी बनी, एक पार्टी बनी कांग्रेस और एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग, जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे अबुल कलाम आज़ाद, और मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लेने के लिए पहुँचे थे यहाँ पर जिन्ना। कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम प्रतिनिधि को अपना मत देकर यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा, जबकि मुस्लिम लीग के द्वारा जिन्ना को भेजा गया। यहाँ पर जिन्ना ने इस गवर्नर जनरल के सदस्यों का चुनाव करते समय एक प्रस्ताव रखा तत्कालिक गवर्नर बैबल के सामने, और उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की टीम में जो भी सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ से चुने जाएंगे, उन सदस्यों का चुनाव वो स्वयं करेंगे, अर्थात इसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। जबकि अबुल कलाम आज़ाद का कहना था कि यदि दोनों के सदस्यों की संख्या बराबर है तो इस बात को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया, जबकि इसके पहले नियम यही था कि जिनकी संख्या अधिक होगी उनकी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में सदस्य भी अधिक होंगे। लेकिन कांग्रेस ने अब यहाँ पर एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, दोनों की संख्या बराबर रहे, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जिनको हम चाहेंगे वही गवर्नर जनरल की टीम में जाएगा, यह तो आप अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी निरंकुशता को साबित करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव को आपके कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार किया गया, और इसके अस्वीकार करने के चलते ही शिमला सम्मेलन अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल हो जाता है। अब शिमला सम्मेलन के बाद आगे कौन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में घटना घटित होती है, इस कंसेप्ट को जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।